खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। अमिताभ अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए, स्वास्थ्य मंत्री ने तबीयत ठीक होने की पुष्टि की है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन में हल्के लक्षण हैं, दोनों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया है। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये कहा गया। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों को मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जया और ऐश्वर्या बच्चन की रिपोर्ट निगेटिव आई है। अमिताभ और अभिषेक बच्चन की तबीयत के बारे में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि दोनों की सेहत स्थिर है, चिंता की कोई बात नहीं है। राजेश टोपे ने कहा अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन में हल्के लक्षण हैं, कोविड-19 के रैपिड एंटीजन टेस्ट में दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और दोनों को नानावती अस्पताल में एडमिट कराया गया। फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है, अमिताभ बच्चन की सेहत ठीक है। अपने फैंस को एक ट्वीट कर अमिताभ बच्चन ने जानकारी भी दी है कि चिंता की कोई बात नहीं है। बच्चन परिवार के अन्य लोगों का भी टेस्ट कराया गया। पिछले 10 दिन में अमिताभ बच्चन के संपर्क में जितने लोग आए हैं उन्होंने सबसे कोविड टेस्ट कराने की अपील की है। दोनों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया, जांच की रिपोर्ट 24 घंटे में आएगी। बीएमसी के मुताबिक रैपिड एंटीजन टेस्ट में किसी की रिपोर्ट नेगेटिव आती है ये अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव आने पर इसकी पुष्टि के लिए आरटीपीसीआर कोविड-19 टेस्ट कराया जाता है। बीएमसी ने मुंबई में यही नियम लागू किया है जिसके तहत लोगों की जाँच कराई जा रही है। रफीक मुल्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। रफीक, फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है? अमिताभ और अभिषेक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने अभी नानावती अस्पताल से एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने अपनी सेहत तुलना में ठीक होने की बात कही है, और डॉक्टर का भी उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया है कि वो बहुत अच्छी तरह से उनकी देखभाल कर रहे हैं। डॉक्टर जिस तरह से पूरी तरह से काम डॉक्टर और नर्स जिस तरह से काम कर रहे हैं वो भी बताते हुए नजर आते हैं उस वीडियो में। तो अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन को नानावती अस्पताल में पूरी तरह से ये इलाज मिल रहा है, अच्छी तरह से इलाज मिल रहा है। तो पूरी महाराष्ट्र में अब और एक ऐसी खबर आई है सामने कि राजभवन, राज्यपाल को भी क्वारंटाइन होना पड़ा है। राजभवन में 18 कोरोना के पेशेंट पाए गए हैं और 45 अभी भी रिपोर्ट आने बाकी है। ऐसे 18 कोरोना के पेशेंट राजभवन पर मिलने के कारण राजभवन का एरिया भी क्वारंटाइन, वहाँ के लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और कंटेनमेंट जोन में वो एरिया भी डाल दिया गया है। और दूसरी तरफ रेखा का बंगला भी, जो अभिनेत्री रेखा है उनके बंगले को भी सील कराया गया है, वहाँ भी कोरोना के पेशेंट पाए गए हैं। राहत की बात यह है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन, वो दोनों का निगेटिव रिपोर्ट आया है और बंगले पे जितने भी काम करने वाले बाकी लोग थे तो उनके अभी तक रिपोर्ट आए नहीं। और अमिताभ बच्चन चूंकि अभिनेता जगदीप के निधन पर गए थे तो वहाँ जो भी जिनसे भी वो मिले उनके भी टेस्ट करने के लिए अब बीएमसी के अधिकारियों ने कहा है, और वो जितने भी संपर्क में आ चुके थे अभिषेक बच्चन या अमिताभ बच्चन के, तो उनकी भी पूरी तरह से रिपोर्ट लेने के लिए कहा गया है। रफीक, खबर ये भी है कि अभिषेक बच्चन लगातार कुछ दिन पहले ही अपनी वेब सीरीज को लेकर डबिंग करने स्टूडियो जाते रहे हैं, तो वहाँ भी जो लोग हैं उनको लेकर भी, उनकी भी कोरोना जांच को लेकर कुछ जानकारी है क्या आपके पास? जी बिल्कुल, जो भी संपर्क में आ रहे थे, चूंकि अमिताभ बच्चन जी ने तो पूरी तरह से ट्विटर पर डाल दिया गया कि मेरे संपर्क में पिछले दिनों जितने भी लोग आए वो अपनी रिपोर्ट जांच करवा ले और कोरोना की जांच करवा ले, क्योंकि जितने भी सफर उन्होंने भी शूटिंग की थी वो भी अभिनेता जगदीप के निधन पर उनके परिवार से मिलने गए थे, तो जितने भी संपर्क में आए उन सबको अब जांच करानी होगी। और अभिषेक बच्चन भी डबिंग के लिए गए थे वेब सीरीज के लिए, वहाँ भी जिनके संपर्क में आए, जिन भी आर्टिस्टों के या टेक्नीशियंस के संपर्क में आए, तो उनसे भी जांच कराने के लिए बीएमसी के अधिकारियों ने बोला है और आज ही बहुत सारे लोगों की जांच होगी और उसके बाद रिपोर्ट भी तुरंत मिल जाएगी। चलिए रफीक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती किया गया है। अमिताभ जिस नानावती अस्पताल में भर्ती है उसके लिए बिग बी ने कुछ दिन पहले एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया था। वीडियो में अमिताभ ने नानावती अस्पताल और मेडिकल स्टाफ के लोगों की बेहिसाब तारीफ की थी। अमिताभ ने अपने वीडियो में कहा कि मैं डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के आगे नतमस्तक हूँ। नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन। आई एम वांटिंग टू टॉक टू ऑल द डॉक्टर्स, नर्सेस एंड द स्टाफ एट नानावती हॉस्पिटल फॉर देयर ट्रेमेंडस वर्क दैट यू आर डूइंग इन दीज वेरी ट्राइंग सर्कमस्टांसेस। अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक सूरत, गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद हैं? क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जीवनदायी बन गए हैं आप, और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं, नतमस्तक हूं मैं आपके साथ। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है, और आप ना होते तो ना जाने इंसानियत कहां जाती। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये दिन थोड़े से निराशजनक है। दे आर ट्राइंग टाइम्स, एवरीवन इज बीइंग वर्क्ड टू देयर एब्सोल्यूट लिमिट्स। देयर इज ऑलवेज फियर, देयर इज परहैप्स डिप्रेशन, बट प्लीज Do not despair. Do not panic. We're all together in this. We're all working together. And we hope and wish that very soon we shall come out of these extraneous circumstances. Thank you so much, Nanavati Hospital, and all the nurses and doctors and the people that are working there, the staff at Nanavati Hospital. I have had a wonderful experience every time I have been to your facility. और मैं जानता हूं कि आप का स्नेह, आपका प्यार मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक रहा है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन का टेस्ट नेगेटिव पाया गया। अमिताभ के पॉजिटिव आने के बाद उनके पूरे परिवार और स्टाफ का टेस्ट करवाया गया जिसमें रिपोर्ट निगेटिव आई है। ये परिवार और फ्रेंड्स के लिए खुशी की बात है। हालांकि अभी भी बाकी घर वालों और घर के स्टाफ के टेस्ट रिजल्ट का आना बाकी है। अमिताभ बच्चन को शनिवार रात को कोरोना वायरस पॉजिटिव जाने की पुष्टि हुई है। इसके बाद वो खुद अपनी कार से अस्पताल पहुंचे। हॉस्पिटल ने ही लोकल अथॉरिटी को इस बात की सूचना दी। मुंबई महानगर पालिका अमिताभ बच्चन के दोनों घर प्रतीक्षा और जलसा को सैनिटाइज किया। अभिषेक बच्चन की बात करें तो उनकी डेब्यू वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शेडोज 10 जुलाई को रिलीज हुई है। पिछले कई दिनों से अभिषेक इस वेब सीरीज की डबिंग के लिए स्टूडियो जा रहे थे। उन्हें कई बार डबिंग स्टूडियो के बाहर मास्क लगाए स्पॉट किया गया था। अभिषेक ने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की बात की पुष्टि करते हुए ट्वीट किया और बताया कि वो भी अमिताभ की तरह नानावटी अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। तो इन सब के बीच राहत की खबर यह है कि ऐश्वर्या और जया बच्चन की रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन अमिताभ और अभिषेक दोनों ही हॉस्पिटल में एडमिट है। तो दो तस्वीरें ऐश्वर्या और जया बच्चन की, जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है, लेकिन जलसा और प्रतीक्षा दोनों ही बंगलों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। तो जलसा पहुंची है बीएमसी की टीम, जहां पर सैनिटाइज कराया जा रहा है अमिताभ बच्चन के बंगले को। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव आने से सिर्फ उनके फैंस ही नहीं बल्कि फिल्म जगत में भी लोगों को चिंता पड़ गई है। गायक कैलाश खेर ने कहा कि अमिताभ बच्चन सिर्फ इस फिल्म जगत के नायक नहीं है, ये वायरस मनुष्य को का जन्म आया है। सिर्फ इस फिल्म जगत का के महानायक नहीं है, परंतु इस पूर्ण जगत के एक संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के द्योतक हैं, और हम आपको अपना आदर्श और मेरुदंड मानते हैं संस्कृति के। और जहां तक बात है
ये कोई वायरस, ये ऐसा प्रकृति ने जन्माया नहीं है, ये मनुष्य का जन्माया हुआ है। और मनुष्य से मैं ज्यादा कुछ आशाएं भी नहीं रखता हूं साहब, आप तो हमारे बड़े हैं, आदर्श हैं, लेकिन इस जीवन में जितनी भी मानवता की बात करने वाले हैं वो हथियार जो बनाते हैं ताकि सब लोग आपस में लड़ते रहें और हथियार बिकते रहें, सब कुछ व्यापार पर निर्भर करता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।